नमस्कार मित्रों, आरोग्य जीवन यात्रा में आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर राजेश पटेल नेचुरोपैथ डॉक्टर हूँ, योगा का मास्टर हूँ और मैंने फूड एंड न्यूट्रिशन का भी अभ्यास किया है। मैं यहाँ आपके साथ नेचुरल डाइट पे बातें करता हूँ, यानी कि योगाहार पे। योग शास्त्रों ने जो बातें हमको सिखाई है, किसी भी समस्या का हल आपको निकालना है तो उसके मूल तक जाना पड़ेगा, ये सत्य ढूंढना पड़ेगा। तो हम यहाँ हर बीमारी के पीछे होने वाली जो मूल कारण है, रूट कॉज है, उसको ढूंढने का प्रयत्न करते हैं और उसका समाधान निकालते हैं। जो लोग नए हैं उनके मैं खास विनती करूंगा कि वो हमारी योगाहार YouTube चैनल पे जाए, वहाँ प्लेलिस्ट होता है। आप YouTube जैसे खोलते हो तो ऊपर पहला होम होता है, फिर बाद में वीडियो का मेनू होता है, तीसरा प्लेलिस्ट होता है। तो प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ आपको योगाहार पूरा कोर्स हिंदी में करके 12 वीडियो का एक प्लेलिस्ट है, वो आप खोलिए और उसके अंदर जो क्रमानुसार वीडियो है नंबर 1 से लेके 12 तक के, वो सारे एक एक करके देख लीजिए, ठीक है? तो इससे आपको नेचुरल डाइट सिस्टम कैसे काम करती है वो आपको पता चल जाएगा। और आपको लिंक नहीं मिल रही है तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो मेरे नंबर पे 9173602208 पे। मेरी बातें आपको अच्छी लगती हो तो आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आपके ग्रुप के तमाम लोगों को मेरे ये वीडियो भेजें। क्यों? क्योंकि वो जब तक सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक वो अपनी समस्या से बाहर नहीं आ सकते। अब कोरोना खत्म हो रहा है तो अब निशुल्क शिविरें चालू होने वाली है हमारे यहाँ अहमदाबाद गांधीनगर में। तो वन डे की शिविरें है, इसमें फेब्रुआरी ये महीने में एक शिविर गांधीनगर में हो चुकी। अब 14 तारीख को, अगले संडे को, ये आने वाले संडे को दिन, और इसके पीछे वाले संडे और इसके पीछे, 3 संडे की शिविरें अहमदाबाद गांधीनगर में लगने वाली है। उसका टाइम रहेगा दोपहर 2 से 5। पहले हम खाना खिला के खाना भी खिलाते थे, लेकिन अभी उसमें थोड़ी समस्याएं हैं, इसलिए अभी भोजन नहीं कराएंगे, इसीलिए वो सेमिनार फ्री होने वाले हैं। तो अहमदाबाद में 14 फरवरी, 28 फरवरी, 2 दिन, और गांधीनगर में 21 फरवरी के दिन। आपको कांटेक्ट चाहिए, उसका एड्रेस लोकेशन चाहिए तो मेरे नंबर पे आप व्हाट्सएप करके एड्रेस और लोकेशन मंगवा सकते हो। और जो लोग ये शिविर अटेंड करेंगे उन लोगों को ₹500 की कीमत वाली स्पिरुलिना, जो तालाब में होने वाली छोटी छोटी लील की पत्तियों से बनी हुई टेबलेट, जिसमें हमारे शरीर के लिए कारीगर और हमारे शरीर के लिए जरूरी रिपेयरिंग का सामान भरपूर मात्रा में मिलता है, उसकी डब्बी ₹500 की फ्री मिलेगी। जो लोग सेमिनार अटेंड करने आएंगे उन लोगों को बुकिंग करने की जरूरत नहीं है, आप आ सकते हो सीधा या किसी को भेज सकते हो। क्योंकि खिलाना नहीं है तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, खिलाने का होता है तो हम बुकिंग एडवांस करवाते हैं। क्यों? क्योंकि कितने लोग आने वाले हैं, खाना पीने के सामान की अरेंजमेंट करने की हमको समझ पड़े, इसके लिए बुकिंग आवश्यक है। जब खाना के साथ भोजन शिविर लगेगी तब, अभी ये फ्री है, उसमें हम खाना खिलाने वाले नहीं है। दूसरी, ये 12 तारीख से 18 तारीख 7 दिन की एक रेसिडेंट शिविर होने जा रही है अहमदाबाद के पास में। उसके प्रमुख वक्ता है धरतीबेन ठक्कर, भोपाल से डॉक्टर रमेश तेवानी, मुंबई से आने वाले हैं प्रदीप भैंसा, और मैं वक्ता के तौर पे आने वाला हूँ वहाँ। तो उसके लिए आप
कांटेक्ट कर सकते हो। किसी को उनका कांटेक्ट करने का नंबर चाहिए तो मेरा नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, या तो इसमें लिखा हुआ है मुकेश भाई ठक्कर 9992598291, ये नंबर पे आप कांटेक्ट करके बुकिंग करा सकते हो। वहाँ रहने का भी है, खाना पीना भी मिलेगा। सुबह से शाम तक आपको योगा, नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट, फूड, लेक्चर, सवाल जवाब और सांस्कृतिक प्रोग्राम्स रात को सोने के टाइम। तो आपको हरा भरा माहौल में आप वहाँ अपने शरीर को भी हरा भरा कर सकते हो। हमारे सेंटर पे हर रोज अहमदाबाद और गांधीनगर के, अहमदाबाद के सेंटर पे 4 से 6 2 घंटे का एक फ्री सेमिनार हर रोज लगता है, मंडे टू सैटरडे चालू दिन के दिन। गांधीनगर में सुबह में 10 से 11 और दोपहर को 4 से 5, ये दोनों टाइम गांधीनगर में भी हमारे एक कलीग है वो गाइड करते हैं। तो जो लोग चालू दिन में भी आएंगे, रविवार की छुट्टी के दिन नहीं आ सकते और चालू दिन में भी हमारे यहाँ आएंगे, तो वो सेमिनार भी फ्री है, उसमें आप हिस्सा लीजिए और स्पिरुलिना की डब्बी फ्री पाइए और योगाहर को समझ ले। देखिए, जो लोग नए हैं वो खास करके एक बार 2 घंटे का प्रोग्राम अटेंड कर ले अहमदाबाद की शिविर में। गांधीनगर में भी 1 घंटा का एक प्रोग्राम अटेंड करो, आपको काफी जानकारी मिल जाएगी। शरीर में से बीमारी ऐसे निकल कैसे निकलती है, वो जब तक आप उसके पीछे का लॉजिक नहीं समझोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा, और ये प्रयोग करने के बाद ही आपको ये समझ में आने वाला है। आहार का इंजीनियरिंग में छोटी सी बातें हैं, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। जैसे हमारी गाड़ी बिगड़ती है तो गाड़ी बिगड़ने के पीछे वजह क्या है कि भी आपकी गाड़ी में कचरा, इंजन में कचरा आ गया है, फिल्टर जाम हो गए हैं, फिल्टर निकाल दो, साफ कर लो, कचरा निकाल दो, गाड़ी चालू हो जाएगी। तो हमारे शरीर में आने वाली 80% से ज्यादा बीमारियां मैं सिर्फ कचरे की मानता हूं, सिर्फ कचरे की, कचरा निकालो, समस्या खत्म। तो हमारे शरीर में 3 जगह कचरा इकट्ठा होता है, एक बड़ी आंत में, छोटी आंत में, आपके खून में, और चौथा आपके ऑर्गेन में, आपके जो अंग है शरीर के इसके अंदर। बड़ी आंत में कचरा इकट्ठा होता है उसको कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं, छोटी आंत में कचरा इकट्ठा होता है वो इनडाइजेशन की समस्या लाता है, खून में समस्या, जो खून में कचरा इकट्ठा है वो शरीर में दूसरी ऑर्गेन में जो समस्या आने वाली है उसका रूट कॉज वहीं से है। तो हर रोज खून साफ किया करो, और आपके जो अंग में कचरा इकट्ठा हो गया है, मान लो हृदय में हो गया है तो बीपी, कोलेस्ट्रॉल, ब्लॉकेज आ जाता है, हार्ट अटैक आता है, आपके पैंक्रियाज में कचरा इकट्ठा हो गया है तो डायबिटीज आ जाता है, आपके लीवर में कचरा इकट्ठा हो गया तो फैटी लीवर या दूसरे रोग, बीमार लीवर के रिलेटेड रोग आते हैं, आपकी थायराइड ग्रंथि में कचरा इकट्ठा हो गया, थायराइड आ गया है, आपकी किडनी में कचरा हो गया है तो स्टोन बन जाएगा, किडनी फेल हो जाएगी। तो जो अंग में बीमारी है वहां कचरा है, कचरा निकाल दो, समस्या अपने आप ठिकम। तो ये कचरा कैसे निकालना है उसके लिए आपको सेमिनार अटेंड करना जरूरी है और हमारे वीडियोस देखना है। आप आ नहीं सकते हो, अहमदाबाद के बाहर हो, गुजरात के बाहर हो, तो आप घर बैठे भी पढ़ाई कर सकते हो। तो कचरा कैसे निकालना है वो बातें आपको समझ लेनी है। दूसरा, हमारे शरीर में जो स्पेयर पार्ट है, गाड़ी के स्पेयर पार्ट मान लो घिस गए हैं, बिगड़ गए हैं, तो उसको निकाल के आपको नया डालना पड़ता है। लेकिन हमारे शरीर के स्पेयर पार्ट मान लो घिस गए हैं, बिगड़ गए हैं, तो फिर उसको निकालने की जरूरत नहीं है, आप उसको रिपेयर कर सकते हो। तो रिपेयर करने के लिए उसको सही खुराक चाहिए। तो शरीर को 3 प्रकार का खुराक चाहिए, एक शरीर को काम करने की शक्ति दे, दूसरा शरीर को रिपेयरिंग करने का सामान दे, और तीसरा शरीर को रिपेयरिंग के सामान का इस्तेमाल करके
रिपेयरिंग करे इसे कारीगर चाहिए। तो ये तीन चीज की जरूरत है। तो ये तीन चीज का खुराक देना है, वो खुराक चबा चबा के देना है। जितना खुराक पेट में जाए उतनी ही मुंह की सलाइवा साथ में चली जाए पेट के अंदर, वो ध्यान रख के खाना है। पीना है तो गुला गुला के मुंह में, और खाना है तो चबा चबा के रस करके पीना है। अब रिपेयरिंग का सामान कहाँ से मिलेगा? तो जो पानी में तैरता है, पत्ती सब्जी फल, वो न्यूट्रिशन देते हैं, वो रिपेयरिंग नहीं करेंगे। जो पानी में बैठ जाता है, कंदमूल है, अनाज है, कठोर है, ड्राई फ्रूट से, तो वो सारे पानी में बैठते हैं, तो वो शरीर में ताकत देते हैं। पत्तियों का हरा रंग जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं, वही क्लोरोफिल शरीर में जाके हीमोग्लोबिन बनता है नेचुरल, तो वो हमारे शरीर के कारीगर है। तो आपको हरी पत्ती में सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन मिल जाएंगे और सबसे ज्यादा कारीगर मिल जाएंगे। शरीर में बीमारी है तो उसको लेना चालू करो, और ज्यादा लेना है, पत्तियों का रस निकाल के पीना है, और बिना स्वाद वाला नहीं पीना है आपको, उसको टेस्ट भी करना है। आप खट्टा, तीखा, मीठा, खारा, जो टेस्ट करना है वो टेस्ट करके पिए, बस इसमें कुछ है ही नहीं। इतना करने से आपके शरीर में समस्या ठीक हो जाती है। शरीर की सफाई के लिए बड़ी आंत के लिए एनिमा लेना है, छोटी आंत को साफ रखने के लिए मल शुद्धि या त्रिफला लेते रहना है, और आपकी खून की सफाई के लिए आपको परिश्रम करना है। नहीं कर सकते हो तो सुबह से दोपहर तक का उपवास करके रखो, तीन टाइम मत खाइए, दो ही टाइम खाइए, एक टाइम पूरा निर्जला कर लो, और या तो खट्टे फल खाना चालू कीजिए, तो इससे भी आपके शरीर की अंदर की सफाई हो जाएगी, ठीक है। स्वाद में भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है, कौन सा स्वाद क्या करता है ये यहाँ लिखा हुआ है। प्रश्न है, गुरुजी, आई एम रमेश फ्रॉम कर्नाटका, एज है 29, डिजीज है आर्थराइटिस स्पॉन्डोलाइटिस, 10 साल से है, एनडीएस 5 महीने से फॉलो कर रहा हूँ, घुटन में बहुत सूजन आ गया है, प्लीज हेल्प मी, कमर में भी दर्द है। तो देखे, जो लोग 5 महीने से एनडीएस कर रहे, रिजल्ट नहीं मिल रहा है, इसका मतलब है वो जो स्पेयर पार्ट है उसमें सही सफाई नहीं हो रही है, और वहां रिपेयरिंग का सामान नहीं पहुंच रहा है, कारीगर नहीं पहुंच रहे। कई लोग क्या बोलते हैं कि मैं सुबह में उपवास करता हूँ, दोपहर को सब्जी फल सलाद खाता हूँ, और रात को एक टाइम पकाया खाता हूँ, फिर भी मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ। तो उसके पीछे एक ही वजह है कि वो हरी पत्ती नहीं खा रहे हैं। देखो, पत्ती में रिपेयरिंग का सामान और रिपेयरिंग के कारीगर, ये दोनों चीज हरी पत्ती में से ही मिलने वाले हैं। आप कच्चा दूसरा कुछ भी खाओ कोई मतलब नहीं है, इससे आपको न्यूट्रिशन इतना नहीं मिलने वाले हैं जितने आपको हरी पत्ती से मिल रहे हैं। तो पत्तियों की कमी, शरीर में खुराक में पत्तियों की कमी ही आपको समाधान नहीं दे पाती है। तो जिन लोगों को वो एनडीएस का मतलब ही है कि पत्ती खाना जरूरी है, आप पत्ती नहीं खाते हो तो एनडीएस कर रहे हो, ऐसा बोलो ही मत। पत्ती ज्यादा ज्यादा पत्ती, एक बकरा कितना पत्ता खाता है पूरे दिन का? तो हमको इतना पत्ता खाना नहीं है, लेकिन उतने पत्तियों को मिक्सी में क्रश करके चटनी बनाते हो, ऐसे ही कम पानी डाल के क्रश कर करके बड़ी छन्नी में डाल के छान छान के जूस निकालना है, और उसी का ही ग्लास भरना है, और ऐसे 2 से 3 ग्लास आपको निकाल के धीरे धीरे पीना है, जैसे आइसक्रीम खाते हो ऐसे। वो हरी पत्तियों का रस आपको टेस्टी बनाना है, आप इसके अंदर मीठा फल डाल सकते हो, खट्टी कुछ चीज डाल सकते हो, तीखी डाल सकते हो, खारी नमक डाल सकते हो, सेंधा नमक या काला नमक, ये सब डाल सकते हो, लेकिन आपको जो पीना है, जैसे आइसक्रीम खाते हो, चम्मच लिया, मुंह में घुमाया, लार इकट्ठा किया, फिर पिया, दूसरा चम्मच लिया, लार इकट्ठा किया, फिर पिया, इसी तरह ही आपको पीना है, ये आपको ध्यान रखना है। आप पीने में, खाने पीने में ध्यान नहीं रखोगे, रस को घटाघट पी जाओगे, तो घटाघट बाहर निकल जाएगा तुरंत, प्रेशर आ जाएगा और बाहर, वो अंदर डाइजेस्ट नहीं होगा,
मुंह की लार नहीं जाएगी तो डाइजेस्ट नहीं होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आपके शरीर में जो भी समस्या है उसके पीछे ये रिपेयरिंग का सामान बहुत जरूरी है। सफाई तो आपने कच्चा खाओगे, खट्टा फल खाओगे तो सफाई हो जाएगी शरीर में, लेकिन उसको मेंटेन करने के लिए पत्तियों के अलावा कोई काम का नहीं है, ये बात आप ध्यान रखिए। अच्छा, पत्तियों में सबसे अच्छे कौन से हैं? तो गेहूं के जवारा, रचका बोलते हैं गुजरात में, अंग्रेजी में उसको अल्फा अल्फा बोलते हैं। आप गूगल में अल्फा अल्फा लिखो तो वो आपको दिखाई देगा कि भी अल्फा अल्फा कौन सी पत्ती है, क्योंकि हर स्टेट में, गुजरात में रचका बोलते हैं, गदब बोलते हैं, तो अलग अलग स्टेट में उसका नाम अलग अलग है। अब हर एक स्टेट में क्या कौन से नाम से बुलाते हैं मुझे पता नहीं है। आप इसके अलावा अल्फा अल्फा लिखो, अल्फा अल्फा लिखोगे तो आपके आपका लोकल नाम क्या है पता चल जाएगा उसका चित्र देख के। ठीक है, तो अल्फा अल्फा मतलब सर रचका का पत्ता सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन वाला है, गेहूं का जवारा वो दूसरा, तीसरा है सहजन की पत्ती, सरगवा की पत्ती, मोरिंगो स्टिक बोलते हैं, मोरिंगो स्टिक की हम सब्जी बनाते हैं, लंबी लंबी सिंगी आती है तो मोरिंगा लीफ, सहजन की पत्तियां स्टिक नहीं। चौथी है मेथी की पत्ती और पांचवी है मीठे नीम की पत्ती। तो ये पांच प्रकार की जो पत्तियां है उसमें सबसे ज्यादा क्लोरोफिल और सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन होते हैं, आप उसको इस्तेमाल किया करो और टेस्टी बना के पियो। ठीक है, पहले शरीर सफाई करो फिर रिपेयरिंग का सामान दो। तो शुरू जो लोग नए हैं उनको मैं बोलूंगा पहले एनिमल ले, उपवास करने की आदत डाले, सफाई करे, खट्टे फल खाए, कचरा निकाले, फिर रिपेयरिंग का सामान देना चालू करो। पहले रिपेयरिंग दो दोगे, सफाई नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं है। तो जिन लोगों का वजन ज्यादा है वो पहले वजन कम करे, वजन कम करने के लिए खट्टे फल ज्यादा खाना है। वजन कम करने के टाइम पे उसको सूजन रहेगी, पेन बढ़ेगा, या जो शरीर का कचरा है वो उसका उभार होके बाहर निकलेगा, किसी को खुजली आएगी, किसी को हेडेक होगा, किसी को सूजन आएगी, पैरों में दर्द होगा, कुछ न कुछ हो सकता है, सबको होगा ऐसा नहीं है। कचरा निकालिए फिर रिपेयरिंग की बात करो। ठीक है, तो ये भाई साहब को इस सिस्टम से करने के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हेलो सर, मेरी बहन ने एज 25 वर्ष नीचे, मैरिज ने 6 महीना थया छे, एमने पीरियड प्रॉब्लम छे, 3 થી 4 મહિના માં એક વાર આવે છે, તે પણ દવા લેતો જ, એમને આયુર્વેદિક દવા પણ કરી 1 વર્ષ સુધી, પણ ડોક્ટર નું કહેવું એમ છે કે હોર્મોન્સ કામ નથી કરતા, બ્લડ પણ ઓકે છે, તો હોર્મોનને એક્ટિવ કરવા માટે કોઈ ઉપાય બતાવો, બેન ગ્રીન જ્યુસ તો લે જ છે, આન્સર ગુજરાતીમાં આપશો? તો એ બહેન હે 25 સાલ કી, 6 મહિને સે ઉસકો પીરિયડ મેં પ્રોબ્લેમ આ રહા હૈ, માસિક ધર્મ નહીં હો રહા હૈ, તો ઉસકે હોર્મોન્સ નહીં બન રહે। તો હોર્મોન્સ નહીં બન રહે ઇસકા મતલબ ક્યા હુઆ? જો જગહ હોર્મોન્સ બનાતા હૈ, જો મશીન હૈ હોર્મોન બનાને વાલા, હમારે શરીર મેં સબ જગહ અંતઃસ્ત્રાવ પેદા કરને વાલી ચીજે હૈ, હા, મગજ ભી કરતી હૈ, થાઇરોઇડ ભી કરતી હૈ, હમારા પેનક્રિયાસ કરતા હૈ, તો એ સારી અલગ અલગ જગહ હૈ જો અપને અપને કામ કર રહે, ગ્રંથિ હૈ વો હોર્મોન્સ પેદા કર રહે, શરીર મેં કઈ હૈ, कई जगह छोटे छोटे बहुत है, तो वो मशीनें जो है वो काम नहीं कर रहे, हॉर्मोन्स पैदा नहीं कर रहे, तो इसका मतलब क्या हुआ? या तो मशीन बिगड़ा है, या तो उसको हॉर्मोन पैदा करने का रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा है। अच्छा, मशीन क्यों बिगड़ा है? तो कचरा इकट्ठा हुआ होगा तभी काम नहीं कर रहा है, या उसका अंदर घिस गया होगा, कुछ गड़बड़ी है। तो पहले मशीन की सफाई कर लो, जो स्पेयर पार्ट खराब है उसको रिपेयर कर लो, और उसको प्रोडक्शन करने के लिए सही मटेरियल दे दो, और ये सारा काम करने के लिए रिपेयरिंग का सामान भी चाहिए, सफाई का मटेरियल भी चाहिए,
और कारीगर भी चाहिए। तो हम एनडीएस में यही तो सिखाते हैं कि आपको सफाई करनी है, सफाई आंतों की करनी है, छोटी आंत की करनी है, बड़ी छोटी दोनों की, खून की सफाई करनी है और स्पेयर पार्ट की भी करनी है। आपको एक ही चीज करनी जरूरी नहीं है, आप काम कर रहे हो तो सबका कर लो, गाड़ी गैरेज भेजो तो एक काम के लिए कराओ और दूसरे काम पेंडिंग रख के वापिस नहीं लाते हैं गाड़ी, उसका भी ठिकाना कर ही लेते हैं। तो शरीर में सब समस्या जहां भी है, पता हो या ना हो, सफाई करो, पूरी शरीर की सफाई करो, हाँ आधी मत करो। तो सफाई के लिए जरूरी जो जो है उसमें क्या है, तो 3 टाइम खाते हो एक टाइम छोड़ दो, एक टाइम टोटली कच्चा ही खाइए, कच्चे में खट्टे फल ज्यादा खाइए, ठीक है। तो ये अंदर की सफाई करेगी। एनिमाले के बड़ी आंत को साफ करो, छोटी आंत को साफ हफ्ते में 2 बार करने के लिए मलशुद्धि लिया करो, तो इससे रात को सोने के टाइम आपका पेट साफ रहेगा। खून की सफाई के लिए सुबह से दोपहर का एक टाइम का उपवास करना है, तो ये सफाई की हो गई। खट्टे फल खाओगे तो अंदर स्पेयर पार्ट की अंदर का कचरा निकाल देगा, तो ये सारी इंटरनल सफाई हो जाएगी, आंतों की भी हो जाएगी। अब रही रिपेयरिंग, तो रिपेयरिंग के लिए पत्ती और पत्तियों का हरा रंग जो नया खून बनाता है वो क्लोरोफिल हीमोग्लोबिन बनता है, वो कारीगर है। और पत्तियों में सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन है, जो हमारे शरीर को जो चीज की जरूरत है वो सारा रॉ मटेरियल वहीं से पूरा होता है, रिपेयरिंग के लिए भी और शरीर में हॉर्मोन बनाने का सामान भी वहीं से मिल जाएगा। तो आप ये डालना चालू करो। पत्तियों का रस पीते हैं कई लोग, क्या बोलते हैं मैं हर रोज एक ग्लास पीता हूँ। अरे एक ग्लास रस निकाल के पिया आपने, इसमें से पानी निकाल दो, आपने हरा कितना खाया, कुछ नहीं खाते हो। एनडीएस करने के बावजूद रिजल्ट जिसको नहीं मिलता है उसके पीछे ये छोटी सी गलती जवाबदार है। तो आप भी ध्यान रखिए। और आपने लिखा है गुजराती में आंसर देना, अब आपको ऐसा है तो आप गुजराती हो तो हमारे सेंटर पे पर्सनली आ जाइए, वहां हर रोज गुजराती में लेक्चर होते ही है। कई बार हिंदी वाले आ जाते हैं तो हम पूरा लेक्चर हिंदी में भी करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन गुजराती में समझना है तो हमारा पुस्तक है, मंगवा लीजिए। वीडियो ऐसे भी पड़े हैं, शुरू के जो आरोग्य जीवन यात्रा के वीडियो थे वो सारे गुजराती में ही थे, तो वो पढ़िए, ठीक है। समझ पहले ले लीजिए, बिना समझ कोई भी काम करोगे तो इसमें समस्या का समाधान शायद मिले भी और न भी मिले, ठीक है। तो हमको कहाँ गलती हो रही है वो देख लेना जरूरी है। दूसरा एक प्रश्न है, नमस्कार राजेश भाई, एज है 63, वेट है 57 kg, 2 वर्ष पहला तेमने झाड़ा था जे दवा लेवा छता मटता न हता, सोनोग्राफी करावता आंतरडामा चांदियो पड़ी गई हती, डॉक्टरे दवाओ आपी अने दूध तथा दूधनी तमाम प्रोडक्ट्स बंद करावी, आयुर्वेदिक दवाओ पण चालू करी, जेनाथी हाल सारू छे, रिपोर्ट नॉर्मल आवे छे, छता दवा तो हाल चालू ज छे। હવે મારો પ્રશ્ન એ છે કે આ બીમારી કાયમ માટે ન મટી શકે, દવા લેવી જ પડે તે ન લેવી પડે, બીમારી કાયમ માટે દૂર થાય તે માટે આપ શું સલાહ આપશો? તેઓ પોતે કંઈ પણ કરવા તૈયાર છે, પૈસા પણ ખૂબ ખર્ચ થયા છે। જય સ્વામિનારાયણ। આંતરડામાં ચાંદી પડી જવાનું કારણ શું? કે તમારા આંતરડામાં ભેગો થયેલો મર સમયસર બહાર ન નીકળે। આપ જો ખા રહે હો વો સમય પે બહાર નહીં નીકળેગા, લંબે ટાઈમ આંતો મેં પડા રહેગા, તભી ઓર સાથ મેં ગરમ ચીજે જાયેગી તો આંતો મેં જઠર મેં મુંહ મેં છાલે પડતે હૈ। તો પહેલે તો આપકો ક્યા કરના પડેગા, મુંહ કે આંતો કે જઠર કે છાલે બઢે નહીં, इसके लिए आपको लिक्विड डाइट पे आना पड़ेगा, पहला काम ये करना पड़ेगा। दूसरा, जो डाइट हीलिंग जल्दी करे, छाले को जल्दी हील करे, ऐसा डाइट चाहिए। अच्छा, आप खट्टे फल खाते रहो, खट्टे फल का रस निकालो एकदम खट्टा, नींबू का पानी पीओ, तो क्या करेगा, क्या मुंह की छाला होगा,
तो वो हीलिंग करेगी या छाले को और छोलेगा, जठर में जाएगा, वहां चांदी है, वहां छाले पड़े हैं, तो इसको सही करेगा, उसको क्या कर देगा? तो आपको यहाँ तीखी और खट्टी ये दोनों चीज को छोड़ देनी है। मैं तो बोलूंगा मीठी चीज को भी मत लो शुरू में थोड़े दिन। आपको सिर्फ हरी पत्ती लानी है, उसका रस निकालना है, सिर्फ नाम पूर्ति, आपको थोड़ा अच्छा लगे इसके लिए थोड़ा सा आपको इसके अंदर मीठी चीज, मीठी में आपको क्या डालना है, शहद, हनी, मध। क्यों? क्योंकि शहद एक ऐसा रस है जो मधुमक्खी बनाती है, वो आपको जो जहां अंदर पड़ा है, अल्सर हुआ है, आंतों में हुआ है या जठर में हुआ है, कहीं भी है, तो उसके ऊपर वो हीलिंग करने का काम करता है, उसको सेप्टिक होने से बचाता है। तो आपको हरी पत्तियों का रस लेना है, इसके अंदर खजूर डालो या तो शहद डाल दो। खजूर से अच्छा है शहद, प्योर मधुमक्खियों का मध ले आइए, उसको अंदर डालिए, टेस्टी बनाइए और उसको चम्मच चम्मच करके पिए, और साथ में मुंह की लार भी साथ में भेजे। आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, एनिमा ले लीजिए, सुबह से दोपहर हो सकता है तो एक दिन या दो दिन फास्टिंग कर लो, निर्जला कर लो, निर्जला, और साथ में निर्जला के बाद दो चार दिन आप सिर्फ हरी पत्तियों का रस, इसके अंदर शहद डाल के चम्मच चम्मच करके मुंह की लार बना बना के पियो, तो वो आंतों में जाएगा, आंतों की सफाई भी हो जाएगी, और जहां जहां अल्सर है, जठर में होगा, आंतों में होगा, जहां भी है, वहां ये हरी पत्ती और शहद जाएगा, उसके ऊपर चिपकेगा, उसको सड़न से बचाएगा, कंटामिनेशन होने नहीं देगा और जल्दी उसको हीलिंग कर देगा। यही एक रास्ता है। इस टाइम आपको दूसरा कुछ खाना नहीं है, ठीक है? ये सिंपल सा प्रयोग है, दो तीन दिन चार दिन का ही समस्या है, आप एक बार कर लो, आपकी परमानेंट सॉल्यूशन आ जाएगी, समस्या रहेगी ही नहीं, ठीक है? फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, ये दो चार दिन आप एक प्रयोग करोगे तो वेट आपका 1-2-3 किलो कम हो सकता है, वो चिंता मत करो, वो वापिस आ जाएगा, लेकिन उसको जड़ से निकाल दो, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। पत्तियों में गेहूं का जवारा ले लो या तो रजका का पत्ता ले लो, ये दो, और थोड़ा अंदर आप पालक, पुदीना, धनिया टेस्ट के लिए डाल सकते हो, ठीक है? तो ये प्रयोग करने से आपको फायदा हो जाएगा। काम की बातें में, द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री डज नॉट क्रिएट क्योर्स, इट क्रिएट्स कस्टमर्स। उन लोगों का काम यही है कि आपको जो समस्या है, मान लो आपको पेन हो रहा है घुटन में, तो वो आपको क्या करेंगे, दवाई देके पेन किलर दे देंगे, आपको राहत रहेगी, लेकिन जो समस्या है वो जाती नहीं है। आपको बीपी हो गया है तो बीपी को कंट्रोल करने की दवाई देंगे, बीपी की जो मूल कारण है, रूट कॉज है, उसको निकालने का काम नहीं करेंगे, वो लोग आपको राहत कर देंगे। फायदा है इससे, कोई नुकसान नहीं है, लेकिन वो सॉल्यूशन नहीं ला रहे, उसका टेम्पररी इलाज है। तो वो लोग का कस्टमर क्या है, आपने एक बार बीपी बढ़ गया तो आपको जीवन भर बीपी की गोली खानी पड़ेगी, अच्छा हर महीने या 2 महीने साहब के पास जाके आपको बीपी चेक कराना पड़ेगा, बढ़ा है, कम है, जो भी है, तो गोली भी आगे पीछे करने के लिए भी साहब के पास जाना पड़ेगा, तो वो आप उनके परमानेंट कस्टमर हो गए, ठीक है? तो आपको ऐसा सोचना है कि भी इमरजेंसी में आप डॉक्टर के पास चले जाइए, वो अच्छा ही है, क्योंकि उन लोगों ने दवाई या खिला के लोगों की आयु लंबी की है, नहीं कि ये ऐसा नहीं है, लेकिन आपको फिर दवाई के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। अच्छा, आप बीपी की गोली हर खाते ही रहोगे दो दो टाइम हर रोज, तो इसकी साइड इफेक्ट तो होने वाली है, वो डॉक्टर भी बोलते हैं, आप पूछोगे तो बोलेंगे नहीं, साइड इफेक्ट लंबे टाइम पे आएगी,
आपकी किडनी खराब हो सकती है, पेंक्रियास खराब हो सकता है, डायबिटीज आ सकती है, कोई ना कोई बीमारी आ सकती है। तो वो आप दवाई अंदर डाल के शरीर में और नया कचरा डालते रहोगे, और समस्या जो कारण से बीपी है, जो समस्या से डायबिटीज आया है, वो जो समस्या है घुटन में दर्द आया है, उसका ठिकाना नहीं करोगे तो तब तक आपको दवाई पे ही जीना पड़ेगा। तो दवाई बंद करने का सोचो। हमारी बातें सुन के डॉक्टर भी आते हैं, वो भी अपनी बीमारी ठीक करते हैं, ठीक है। तो आपको अभी इमरजेंसी है तो दवाई लेते रहिए, जब तक ठीक ना हो जाओ तब तक दवाई लो, लेकिन डाइट बदल दो, धीरे धीरे करके आपकी दवाई छूट जाएगी। आपको परमानेंट कस्टमर नहीं बनना है। हाँ, साल में एक आध दो बार इमरजेंसी में जाना पड़े तो बात अलग है, लेकिन हर रोज दवाई खा के जीने की नौबत आनी चाहिए नहीं। एक रिपोर्ट आया था पिछली साल, ગ્રામ્ય કરતા શહેરી વિસ્તારના બાળકોમાં સ્થૂળતાનું પ્રમાણ વધારે છે. એ ક્યા બોલ રહા હે કે ગાંવ મે રહેને વાલે બચ્ચો કે હિસાબ સે શહેર મે રહેને વાલે બચ્ચો ઓબેસિટી કે શિકાર હે, મોટે મોટે હે, જ્યાદા મિલતે હે. ક્યો? ક્યોંકિ ગાંવ મે રહેને વાલે બચ્ચા કોઈ ને કોઈ મજદૂરી કરતા હે, ખેત મે યા અપને ફેમિલી કો હેલ્પ કરતા હે. શહેર મે રહેને વાલે બચ્ચે क्या रेडीमेड नाश्ता करते हैं, स्कूल वाला फिर हर रोज अलग अलग नाश्ता का लिस्ट दे देते हैं, गुरुवार के दिन ये लाना है, सोमवार के दिन ये लाना है, उसके दिन ये खाना है, तो माँ क्या करती है, हर रोज नया कहाँ बनाने जाएगी, वो रेडीमेड ला लेती है और बच्चे को खिलाती है। तो रेडीमेड फूड ने बच्चों के शरीर में वजन बढ़ा दिया है। हाँ, कोल्ड ड्रिंक्स, पैकेज फूड, हाँ, तो ये सारे बाजारू नाश्ते जो है वो स्थूलता का कारण है। दूसरी एक साथ में ये भी लिखा है, शहर में एक जारे गामड़ाओं में 61 विद्यार्थियों व्यसनी, तो व्यसन के बारे में गांव के बच्चे ज्यादा व्यसनी निकले हैं, ऐसा रिपोर्ट बोल रहा है। तो गांव में व्यसन ज्यादा होता है शहर के हिसाब से, शहर में लोग व्यसन थोड़ा कम करते हैं। क्यों? क्योंकि शहर में टीवी है, न्यूज़पेपर है और हॉस्पिटल है, तो ये देखते हैं। तो वो थोड़ा पढ़े लिखे शहर में ज्यादा रहते हैं, तो उन लोगों में व्यसन थोड़ा कम है गांव के हिसाब से, गांव में व्यसन ज्यादा है, ये दो रिपोर्ट यहां बताता है। दूसरा एक रिपोर्ट है, रेड अलर्ट है, वो है, ये लिख रहे हैं कि विश्व में मुंह का कैंसर सबसे ज्यादा सौराष्ट्र में है। गुजरात में एक सौराष्ट्र इलाका है जो वेस्ट और साउथ के बीच वाला है, वो सौराष्ट्र का इलाका, वहां सबसे ज्यादा मुंह के कैंसर के पेशेंट है। तो वहां इसीलिए है कि सौराष्ट्र में कुछ भी खाना खाने के बाद मावा खाने की आदत और तंबाकू खाने की आदत सबसे ज्यादा है। तो ये रिपोर्ट सौराष्ट्र में रहने वाले को अलर्ट है, आप मुंह के कैंसर के शिकार न होए, हाँ, मावा मत खाइए, तंबाकू मत खाइए, उसकी जगह अच्छा मुखवास खाइए, हाँ, खजूर खाइए, इमली के दाने को मुंह में घुमाइए और पानी बना के पिए, इमली के दाने को चबा के खा जाना नहीं है, नहीं तो वो भी जोखम करेगा, सुपारी मत खाइए, सुपारी भी नुकसान करेगी, और उसकी जगह सनफ्लावर सीड खाइए, सूरजमुखी के बीज खाइए, हाँ, कद्दू के बीज खाइए, ऐसे अच्छे मुखवास खाइए, दाना की दाल खाइए, हरी धनिया की दाल आती है वो खाइए, क्यों तंबाकू खा रहे हो, क्यों सुपारी खा रहे हो, क्यों मावा खा रहे हो, हाँ, आप तो मर जाओगे, आपके पीछे आपकी फैमिली का क्या होगा, ये तो सोचो। हाँ, और जिनको अपनी फैमिली की पड़ी नहीं है उसको उसके साथ प्रेम भाव रखने की कोई जरूरत ही नहीं है।
जो ऐसा बोलता है मैं मर जाऊंगा तो उसको ऐसा करो, सुबह शाम हर घंटे एक मावा खिला दो, वो जल्दी ठिकाने पे लग जाएगा, तो फैमिली वाले छूटेंगे। इसमें कोई हर्ज क्या है? जिसको अपनी खुद की पड़ी ना हो, दूसरे का क्या ध्यान रखेगा? जो अपने शरीर को नहीं संभाल सकता है, वो अपनी पत्नी को, अपने बच्चे को क्या संभालेगा? तो जो लोग नशा करते हैं, जो लोग व्यसनी हैं, जो मावा खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, उनकी पत्नियों को मैं बोलूंगा, आप गांधीगिरी करो, आप आंदोलन करो, आप उपवास करके बैठ जाओ, उसको खिलाओ 3 टाइम 4 टाइम बना बना के, लेकिन आप मत खाइए, आप उपवास पे। उसको इतना ही बोलने का, जब तक आप मावा नहीं छोड़ोगे तब तक मैं खाना नहीं खाओगी, भले मेरा जो हो जाए। ऐसी ताकत रखो मेंटली, उपवास की आदत डाल दो, और बच्चे भी साथ में, माँ अकेली नहीं, बच्चे भी, बच्चे भी, वो भी साथ दे माँ का, तभी आपके आपके पिताश्री का ये व्यसन छुड़वा सकोगे। हाँ, जिसको व्यसन छुड़वाना है उसको मैं टिप्स देता हूं कि आप अपने पति को इमली के दाने आते हैं, उसका छिलका निकाल के 10 दाने उनके जेब में रख दो सुबह में, और उसको याद कराओ कि आपको जब मावा याद आए तब आपको ये दाना मुंह में रखना है, उसको घुमाना है और पी लेना है पानी के साथ, पानी पीते रहना है, लास्ट में इमली का दाना पिघल जाए उसको फेंक दो। जब जब आपको मावा मसाला याद आ जाए, गुटखा याद आए, तब आपको ये मुंह में रखना है, घुमाना है, रस पीना है, बस इतना आपको करना है। फिर वो बहन क्या करे, दिन में हर घंटे उसको फोन करे, उसको याद दिलाए, आपको मावा याद आया, चाय याद आई है, तो आप उसकी जगह आपने रखा मुंह में। आप 5 दिन ये काम करो, हर घंटे उसको याद दिलाओ कि आपने मुंह में रखा, घुमाया, लार बना के पिया। आप ये काम करोगे तो वो काम में भूल गया होगा, मावा खा लिया होगा, आपका फोन आएगा तो फिर दोबारा वो उसको खाएगा नहीं, और वो दाना ही मुंह में रखेगा। या तो आप खजूर दे दो, वो चॉकलेट की तरह घुमाएगा और उसका जो गुठला बचेगा, ठिलिया बचेगा, उसको मुंह में घुमाता रहे, बस आपको इतना ही करना है। किसी भी प्रकार के व्यसन से बाहर निकलने का एक आसान तरीका है, रिमाइंड कराओ, उसको दे दो खाने के लिए, बस ये करने से। और इससे भी नहीं माने तो फिर उपवास गांधी तो सिखा के गए हैं, किसी के सामने आपको आंदोलन करना है तो उपवास में बैठ जाओ। लेकिन रियल उपवास करना है, नेताओं जैसा नहीं। उपवास आंदोलन चलता हुआ नेता आते जाते रहते हैं, एक आता है 4 6 घंटा बैठेगा, फिर वो चला जाएगा, घर जाके खा लेगा, दूसरा आएगा वो बैठेगा, ऐसा नहीं करना है। आपको खुद को सही में उपवास करना पड़ेगा, तभी उसकी इफेक्ट आएगी, इसके अलावा इम्पेक्ट नहीं आएगी। ठीक है, ये योगाहार को समझ लीजिए, शरीर सफाई, शरीर का सही खुराक और सावधानी, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। आप छोटे हो या बड़े हो, सबको आहार के कानून लागू पड़ते हैं, तो आहार का इंजीनियरिंग समझने के लिए हमारी YouTube चैनल पे जाइए। योगाहार किट आपको फ्री डिलीवरी में मिल जाएगी, आपको इसमें सब चीज हमने शामिल कर दिए हैं, बड़ी आंत की सफाई, छोटी आंत की सफाई, शरीर का रिपेयरिंग का कारीगर, शरीर का रिपेयरिंग का सामान, और आपको छन्नी भी मिल जाएगी, मुंह में पानी वाला वस्तु, मुंह में पानी पैदा करे वो भी चीज इसमें साथ में आ जाएगी, तो पूरा किट आप मंगवा सकते हो घर बैठे। हमारी योगाहार बुक अमेजोन पे भी अवेलेबल है, या आप हमारे घर हमारे पास से कुरियर से भी मंगवा सकते हो। ई बुक भी अमेजोन किंडल पे अवेलेबल है। फूड विथ लाइफ योगाहार नाम की हमारी दूसरी एक यूट्यूब है चैनल, इसके ऊपर आपको कच्ची चीजें अच्छी अच्छी कैसे बना के खानी है वो हम दिखाते हैं। और ये छोटा सा मैसेज, आप कहीं भी कुछ प्रिंट करवाते हो तो ये प्रिंट करवाइए, इससे आपके हाथ सोशल वर्क हो जाएगा। कल दोबारा
दूसरे प्रश्नों के साथ काम की बातों के साथ मिलेंगे। नमस्कार।